नहीं, मैंने कर रहा हूँ, वही रिक्वेस्ट आ रही है। तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हमारे साथ हिमांशु जी हैं और करण जी हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं बीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग, और पहले हम ओवरव्यू देते हैं और साथ में करण जी की प्रॉब्लम हो रही है रिकॉर्डिंग करने में आपको, यहाँ सर हो नहीं रही, पता नहीं क्यों। ऑल्ट प्लस आर कीजिए ना। नहीं हो रहा ना, वो रिक्वेस्ट किया है। तो हम बात कर रहे हैं बीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग। सबसे पहले बात कर लीजिए कि बीवीए क्या पार्ट क्या है, प्लस ओवरव्यू पीछे में जा रहा हूँ। बीवीए इसमें सबसे पहले हम बनाते हैं माइक्रो। माइक्रो हमारा ऑटोमेशन होता है कि कुछ भी काम करने के लिए उसके स्टेप को हम ऑटोमेट कर देते हैं, उसको ऑटोमेट करके उसको रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड सॉरी हम उसको ऑटोमेट करने के लिए कोडिंग्स को डाल देते हैं ताकि वो नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टाइम ऑटोमेटिकली रिपोर्ट क्रिएट होता है। दूसरा आता है हमारा फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है कि हम फॉर्मूला से एच लुकअप वी लुकअप जो फॉर्मूला है ऐसे फॉर्मूला क्रिएट कर सकते, इसको हम फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, फंक्शन के बाद तीसरा आता है हमारा यूजर फॉर्म। यूजर फॉर्म जैसे कि इंटरफेस होता है ना सर, जैसे कि पॉपअप वगैरह आता है इस तरह का, इस तरह के पॉपअप आते हैं, इस तरह की पॉपअप बनाने के लिए काम किया जाता है यूजर फॉर्म, यानी इंटरफेस के लिए इस्तेमाल इसका यूज किया जाता है। तो वीवीए माइक्रो से तीन चीजें बनाते हैं, माइक्रोज, फंक्शन एंड यूजर फॉर्म। और इसका बनाने का पर्पस क्या होता है? पर्पस होता है कि जो एक्सेल में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिसके जिसका यूज जो है बहुत लेंदी है, या कुछ ऐसा काम जो कि वीवीए से नहीं हो, एक्सेल से हो नहीं सकता, ऐसे कामों के लिए हम वीवीए का इस्तेमाल करते हैं। तो वीवीए क्या है? एक लैंग्वेज। तो वीवीए का यूज करने से पहले आपको कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। सबसे पहले कि आपके पास डेवलपर टैब होना चाहिए। आपके पास डेवलपर टैब नहीं है तो फाइल में जाएं, ऑप्शन पे आएं और यहां कस्टमाइज रिबन से आप डेवलपर टैब को ला सकते हैं, यहां से क्लिक करके। उसके बाद डेवलपर टैब जब आपके पास आ जाएगा तो माइक्रो सिक्योरिटी से यहां अनेबल ऑल माइक्रो करें, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है। डिसेबल होने पे क्या होगा कि आपका माइक्रो, जब भी आप माइक्रो वाली फाइल ओपन करेंगे आपसे वो सिक्योरिटी वार्निंग करके अनेबल बोलेगा, डिफॉल्ट रन नहीं होगा माइक्रो। तो यहां अनेबल ऑल माइक्रो कर ले। उसके बाद याद से ये इंपॉर्टेंट है, फाइल को हमेशा सेव करें यहां माइक्रो अनेबल वर्कबुक में। गलती से भी फाइल को वर्कबुक में मत सेव कीजिएगा, इसका ध्यान रखिए। अब जब भी हम कोई माइक्रो लिखते हैं उसके लिए हमें यहाँ विजुअल बेसिक जिसका शॉर्टकट होता है Alt+F11 इस पे क्लिक करें। ये आपका माइक्रो का वीवी एडिटर है। इससे पहले हमारे पास कुछ रिकॉर्ड माइक्रो का भी ऑप्शन था, मतलब कि आप कोडिंग नहीं करना चाहते हैं तो रिकॉर्ड कर लें, तो जो भी आप एक्शन करेंगे वो आपका रिकॉर्ड हो जाएगा। जी हाँ, मतलब कि खुद से प्रोग्रामिंग बन जाएगी। अगर आप इसको एडिट करके देखें तो खुद से प्रोग्रामिंग बन जाएगी, लेकिन ये लर्निंग पर्पस के लिए होता है, या फिर कुछ ऐसे चीज जो कि आप जिसकी कोडिंग आप भूल गए हो उसकी कोडिंग लाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक और माइक्रो का चलते हैं कि माइक्रो के लिए विजुअल बेसिक पे क्लिक किया, ये हमारा बीवी एडिटर आ गया। तो इसकी चीजें कुछ चीजें ध्यान रख लें। ये आपका एक आता है बीवी प्रोजेक्ट, यहाँ पे आपको आएगा, इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। और दूसरा होता है यहाँ पे प्रॉपर्टी। ये दो चीज चाहिए होता है ताकि आप नेविगेट कर सके कि आपको कोड कहाँ पे करना है। नहीं है तो आप यहाँ से इसको ला सकते हैं, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर से, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर से आप ला सकते हैं इसको। और दूसरा प्रॉपर्टी से आप नीचे वाले प्रॉपर्टी शीट को ला सकते हैं। अब कोडिंग कहाँ करें? अभी देखिए यहाँ पे Sheet 1, Sheet 2, Sheet 3 ऐसे लिखा हुआ है, मतलब जिस फाइल यहाँ पे जितने भी फाइल ओपन होंगे उस फाइल का लिस्ट होगा, और
जितने भी शीट्स होंगे उस शीट का लिस्ट यहाँ पे होगा। मैं शीट डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो व्हाइट एरिया आएगा नोटपैड की तरह, हम यही पे कोई प्रोग्रामिंग करते हैं, लेकिन मैं किसी शीट के ऊपर डबल क्लिक करके प्रोग्राम नहीं लिखूंगा। क्यों? क्योंकि इसी शीट के अंदर सेव हो जाएगा, जब भी शीट को हम डिलीट करेंगे तो मैं माइक्रो भी डिलीट हो जाएगा। तो मॉड्यूल्स में करेंगे तो मॉड्यूल्स आएगा कहां से? तो इंसर्ट, इंसर्ट में आपके मॉड्यूल आएगा, मॉड्यूल पे क्लिक कीजिए, मॉड्यूल 1, 2, 3 इस तरह से आपके आ जाएगा और यहाँ पे आपको प्रोग्राम लिखना है। तो मॉड्यूल पे जो लिखते हैं तो एक जो कोडिंग है इसी फाइल की प्रॉपर्टी में सेव होती है। वो डिलीट नहीं होगी। ऑडियंस की जरूरत है कि किसी भी सीट से इसको रेफरेंस दिया जा सकता है, तो इन सब चीजों से आप इसका यूज कर सकते हैं। ओके, अब मैक्रो लिखने कैसे लिखेंगे? तो मैक्रो लिखने के लिए आपको लिखना है सब्जेक्ट, मैक्रो नेम कुछ भी लिख सकते हो, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। मैक्रो नेम में हमेशा ही ध्यान रखिएगा किसी भी तरह का डॉट डैश कॉमा स्पेशल कैरेक्टर नहीं आना चाहिए, या फिर नंबर जब तीन डिजिट का तीन कैरेक्टर का टेक्स्ट और नंबर नहीं होना चाहिए, तो नहीं एक्सेप्ट करना। अब कोडिंग लिखे क्या? देखिए चार मेन ऑब्जेक्ट है वीपीएन में। पहला है एप्लीकेशन, दूसरा है वर्क बुक्स, तीसरा है शीट्स, चौथा है रेंज। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी सेंटेंस शुरू होता है नाउन या प्रोनाउन, कोई भी तो नहीं, मोस्टली सेंटेंस नाउन या प्रोनाउन से शुरू होता है। तो एक तरह से इसको लैंग्वेज की तरह ही सीखे आप, कि आपको एक्सेल के साथ कम्युनिकेट करना है, एक्सेल के साथ आपको बातचीत करनी है। ओके, तो यहां पे हमारे पास आ गया रेंज, शीट्स, वर्कबुक, एप्लीकेशन। अब ये डिपेंड करता है कि आप लाइन किसके लिए लिख रहे हो। तो अगर आपने वर्कबुक के लिए लिखा तो वर्कबुक आएगा, शीट्स के लिए लिखा शीट्स आएगा, रेंज के लिए लिखा रेंज आएगा। मतलब कि आप अगर किसी फाइल को सेव पेस्ट कॉपी पेस्ट वगैरह करना चाहते हो तो वर्कबुक आएगा, किसी शीट को रिनेम इंसर्ट डिलीट करना चाहते हो शीट से स्टार्ट होगा, किसी पर्टिकुलर रेंज को कॉपी पेस्ट करना चाहते हो तो रेंज से स्टार्ट। ओके सर, मानसू जी कोई डाउट इसमें? नहीं सर। अब यहाँ पे कुछ भी प्रोग्राम लिखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिर हमें करना क्या है। तो चलिए आज हम, क्योंकि लास्ट क्लास में हम वर्कबुक के ऊपर डिस्कस किए थे ना करण जी, करण जी आवाज आ रही है सर? वर्कबुक पर डिस्कस किया था, वर्कबुक पर डिस्कस किया था ना। चलिए एक हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बताया था कि एल्गोरिथम बनाना, हमें करना क्या है? तो हमें करना यह है कि हम बात समझ लीजिए, हमारा काम क्या है, प्रॉब्लम क्या है। मुझे हर दिन एक डेटा डाउनलोड करना होता है, तो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं कि डेटा डाउनलोड के लिए आपने क्लिक किया और एक्सेल फाइलें बना के आपको डाउनलोड कर देता है, एक्सेल फाइल बना के आपको डाउनलोड कर देता है। वो फाइल डाउनलोड नहीं कर पाते थे, उसको हमें अपना एक्सेल फाइल का लिंक देना होता था, तो उस लिंक पे उस फाइल को ओपन करके उस पे पेस्ट कर देते। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमारे एक ड्राइव मान लीजिए एफ नेम जी कर लीजिए, जी ड्राइव के अंदर 2020 के अंदर 2020 के अंदर कौन सा महीना चल रहा है? महीना चल रहा है हमारा मई। तो 2020 के अंदर पांचवा महीना का फोल्डर बनाएगा। आज डेट क्या है? 18। तो इसके अंदर आएगा और यहां 18 का फोल्डर बनाएगा और इसके अंदर फिर उस डेटा को एक फाइल क्रिएट करेगा और उसका नाम भी 18 देगा। तो ये पार्टी है कौन लॉजिस्टिक्स?
ठीक है, उसका बैंक उसका अकाउंट है आईसीआईसी, ऐसे लिखा जाएगा ना, एचडीएफसी बैंक और एनईएफटी और फॉर्म, और फॉर्म में उसमें डिटेल भर दी जाएगी। क्लियर है? अगर फाइल बनी हो तो ना बनाए, ना बनी हो तो प्रॉब्लम समझ में आया आप लोगों को? हेलो जी, हाँ जी, मान लीजिए कि जब भी हम कोई माइक्रो बनाते हैं तो रिपीटेड जॉब या लेंथी जॉब मिलता है, एक काम मेरे लिए रिपीटेड है, हमें डाउनलोड करने से पहले चेक करना होता है कि इसकी फोल्डर और फाइल बनी है या नहीं बनी। तो हम चाहते हैं कि एक माइक्रो बन जाए, हम उसको क्लिक कर दे और अपने आप ये सब बना दे, समझे सर? और सिस्टम डेट के अकॉर्डिंग चले, मुझे डेट भी देखना है। कभी कभी क्या होता है, गलती से डेट हम पुराना डाल देते हैं तो डेटा डाउनलोड ही नहीं होता है, तो ऐसी गलतियां होती रहती थी। चलिए इसके लिए हम माइक्रो बनाते हैं। सब्जेक्ट में हमने यहां पर बनाया सी आर एफ एल। सबसे पहले हमें पता करना है सिस्टम डेट। तो एक्सेल के अंदर में हमारे पास टुडे का फॉर्मूला होता है जो कि क्रेम सिस्टम डेट देता है। अब मुझे इसमें से ईयर निकालना हो तो मैं यहां से ईयर को अलग कर सकता हूं ईयर के फॉर्मूला से। मुझे मंथ अलग करना हो यहां पे हम मंथ का फॉर्मूला लगाएंगे, और डे अलग करना हो तो हम यहां डे का फॉर्मूला लगाएंगे। एक्सेल कैसे करें? तो यहां भी हमारे पास डेट होता है जो कि करेंट सिस्टम डेट देता है, लेकिन इसमें से ईयर चाहिए तो मैं यहां पे ईयर का फॉर्मूला जो एक्सेल में है वो वीवीएन भी सपोर्ट करता है। देखिए नीचे एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, ईयर डे मतलब कि सपोर्ट करता है, बट प्रॉब्लम कि डेटा ईयर का स्टोर कहां करेगा, इसके लिए स्टोरेज पॉइंट तो चाहिए। तो मैथमेटिक्स में हम लोग टेम्परेरी होल्ड करने के लिए कुछ वेरिएबल्स ले लेते हैं एक्स वाई जेड। सपोज एक्स इक्वल टू 100 और जहां भी 100 की जरूरत पड़ती है वहां पर हम एक्स का यूज करते हैं। तो यहां भी हम इस तरह से ले सकते हैं कि वाई इक्वल टू ईयर इक्वल टू मंथ और डे इक्वल टू डी इक्वल टू डे। समझे सर? तो सिस्टम डेट से डेट को लेगा और उसमें से ईयर 2020 को वाई पर रख देगा, तो वाई इक्वल टू क्या हो गया, वाई इक्वल टू 2020 और 2020 हो गया। ओके, और मंथ ऐसे। अब बात होती है फोल्डर क्रिएट करने के लिए। तो फोल्डर क्रिएट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mkdir, mk for make, dir for directory, make directory। और यहां पे जहां डायरेक्टरी आपको क्रिएट करनी है उसका लोकेशन आपको देना होता है, जैसे कि हमने यहां पे 2020 को दे दिया। अब देखिए लास्ट वाला जो होता है ना जी में जाएगा और 2020 को बना देगा। अगर मैं इसमें दे दूं 5 तो डी के अंदर 2020 के अंदर 5 को बना दे। अगर मैं यहां पे दिया 5, यहां पे दिया 18 तो 2020 के अंदर 5 के अंदर 18 को दे देगा, लेकिन इसको देना पड़ेगा 1 by 1। और भी 2020 मैनुअल नहीं, मुझे वाई चाहिए। अब यहां पे मुझे मान लीजिए कि यहां पे मान लीजिए कि मैं डी ड्राइव कर इसको सेलेक्ट किया, कोलकाता नेट लगा के 2020 कर दिया, तो इस तरह से बन के आया। तो कोलकाता नेट के लिए क्या किया हमने, ampersand यूज किया। ये ampersand हमारा VBA को भी सपोर्ट करता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2020 को हटाएंगे, ampersand देंगे और यहाँ पे y दे देंगे, तो ईयर आ गया। फिर इसी को कॉपी करते हैं क्योंकि मुझे यहाँ 1 by 1 देना है, और यहां पे फिर स्लैश देते हैं और बोलेंगे इनोडो को देंगे, लेकिन एम। फिर वापस इसको कॉपी करते हैं
और इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ पे एम परसेंट और एम के जगह पे हमने दे दिया, इसको देता हूँ और इसमें कॉन्ग्रेट करता हूँ डी। समझ में आ रहा है किरण जी या सुधांशु जी, हिमांशु जी सॉरी। तो सबसे पहले फिर यहाँ पे 2020 के अंदर पांच का फोल्डर बनाएगा और यहाँ पे 2020 के अंदर पांच के अंदर आज 18 का फोल्डर बनाएगा, डी का फोल्डर बनाएगा और डेटा यहाँ से इसको मिल रहा है। अब फोल्डर तो बन गया, अब फाइल बनाना है तो यहाँ पे लिखेंगे वर्क बुक्स एड, एक नई फाइल बनाने के लिए एड हो गया और बनाते ही उसको सेव कर देना है तो हम सेव एज कर देते हैं। सेव एज लोकेशन कौन सा है तो हमने बोला ए लोकेशन, लोकेशन इसमें फाइल नेम तो नहीं है ना, तो इसमें कॉन्कैटा नेम करना है वापस डी यहाँ पे स्लैश करके। यहाँ पे डी उसके बाद एक्सटेंशन भी चाहिए होगा तो यहाँ पे डॉट एक्सलेस एक्स ये बन गया। अब जो फाइल ऐड हुई है उसको क्लोज कर दे अपना काम का ओपन रहेगा तो यहाँ पे लिखेंगे एक्टिव वर्क, एक्टिव वर्क बुक क्यों किए तो जो फाइल क्रिएट होती है वही हमारा ओपन होता है एक्टिवेट होती सॉरी। ठीक है सर जी जी और यहाँ पे ट्रू कर दिया मतलब कि सेव है क्लोज। मैसेज बॉक्स देखिए और आपको पहले हम बोल चुके हैं कि फाइल फोल्डर अपडेट बट यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है। मैंने बोला डायरेक्टरी को क्रिएट करो, अब हमारा सिस्टम कहता है कि एक नाम के दो डायरेक्टरी हम फोल्डर में नहीं रखेंगे, एक ड्राइव में एक फोल्डर में हम एक नाम की दो फाइलें या फोल्डर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब प्रॉब्लम यह है कि ईयर का फोल्डर तो साल में एक बार बनेगा, मेन डायरेक्टरी का फोल्डर साल में 12 बार ही बनेगा एक बार और डेली बनेगा तो एरर देगा ना, फर्स्ट दिन तो चल जाएगा क्योंकि उसको 2020 का फोल्डर मिलेगा क्या। अब यहाँ पे जो एरर है जेन्युइन है कि एरर तो आएगा क्योंकि फोल्डर क्रिएटेड है तो मुझे इस लाइन को स्किप करवानी है कि अगर बना है या एरर आए तो स्किप करके इस पे आ जाए, अगर एक बना है एरर आए तो स्किप करके इस पे आ जाए। इसके ऊपर हमें एक कोड लगाना पड़ेगा ऑन एरर परफेक्टली वर्क करेगा। अभी कोड को ध्यान से देखिए आप लोग, किसी तरह की कंफ्यूजन हो रही हो किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछिए। किरण जी आपसे स्टार्ट करता हूँ। हिमांशु जी जी सर ठीक है सर, समझ में आया ना। हाँ जी सर, आपने फोन पे बोला था आपको वीवी का वी नहीं पता, अब वी पता चल गया। हाँ सर पता चल गया। चलिए अब हमने यहाँ पे इसको रन करना है तो रन कैसे करेंगे, तो रन करने के दो तीन तरीके हैं। सबसे पहला कि हम ये माइक्रो में जाके इसी पे क्लिक करके रन पे क्लिक करें या फिर मैं इसका शॉर्टकट बना दूं, जैसे मैंने बना दिया कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल शिफ्ट ई कर दिया, कंट्रोल शिफ्ट ई कर दिया, मैं अपने कीबोर्ड का कंट्रोल शिफ्ट तो रन हो जाएगा। या फिर हम यहाँ डेवलपर में आते हैं, इंसर्ट पे आते हैं, ये बटन है आप नीचे वाला बटन मत दीजिएगा, एक्टिव एक्स कंट्रोल मत लीजिए, इसमें कोडिंग लिखना पड़ेगा। फॉर्म कंट्रोल्स पे आया, क्लिक किया एंड ड्रैग, जैसे ही ड्रैग करेंगे मुझसे पूछेगा कि भाई इसमें कौन सा मैक्रो साइन होगा, हमने बोला ये रहा क्रिएट फोल्डर। और फिर यहाँ बटन है इसके जगह पे हम ये कर सकते हैं कि एक
बटन है कुछ ऐसा अट्रैक्टिव या डिजाइन बटन यूज करना हो, जैसे हम लोग शायद या फोटो वगैरह से करते हैं ना, उस केस में हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हम कोई ड्रैग करते हैं कोई ऐसा बटन बना दिया, अब इसको थोड़ा सा डिजाइन भी दे देते हैं, इस पर कुछ लिख भी देते हैं, जैसे और इसको थोड़ा सा इसे फोटो भी हो सकता है, आप कहीं से फोटो भी कोई पेस्ट करके ला सकते हो। अब इस पे करना क्या करेंगे, इस पे मैं राइट क्लिक करूंगा और यहाँ असाइन मैक्रो और यहाँ पे आपने क्लियर फोल्डर को सिलेक्ट करके ओके कर दिया। जैसे मैं क्लिक करूंगा ये ऑटोमेटिकली रन हो जाए। अच्छा यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, छोटी सी दिक्कत थी तो मैं चेंज कर दी, मतलब मैं श्योर नहीं कह रही, जैसे औरों को मिलेगी वैसे आपको भी मिलेगी। आ गया फाइल फोल्डर अपडेट, आप जाके देख लीजिए आप यहाँ पे 5 नंबर का फोल्डर क्रिएटेड है, 3 नंबर का फोल्डर क्रिएटेड है, इसमें फाइल भी है। मतलब आप अपने के लिए समझ गए? हेलो जी हाँ जी, मैं एक कोड आप लोगों को व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग तो थोड़ी देर में मिल जाएगी आप लोगों को, एक कोड व्हाट्सएप पे मैंने शेयर कर दिया है आपको ग्रुप में, इस कोड को ले और इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन वगैरह करे और इसको अपने सिस्टम में करने की कोशिश करें, ठीक है? ठीक है सर, पहले जैसा वैसा रन करें फिर थोड़ी सी मॉडिफाई करें, यहाँ पे ड्राइव चेंज कर लीजिएगा। मानसू जी ये जो जी ड्राइव है अपना हिसाब से ड्राइव चेंज कर लीजिएगा, ठीक है? कीजिए फिर हम कल मिलते हैं अगले के साथ, इस जब अगली टॉपिक के साथ हम कल डिस्कस करेंगे शीट्स के ऊपर। और किरण जी प्लीज आपके पास जो भी वीडियोस के लिंक है या वीडियोस है आप उनको भेज दीजिए, मुझे ढूंढने आज का वीडियो शेयर कर देना, मेरी आज रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है सर। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कल से आप हेडफोन लगा के रखिएगा सर, क्योंकि आप दो से ज्वाइन करते सिस्टम साउंड जो है रिपीट होता है, तो अगर आप दो से ज्वाइन करते हैं तो प्लीज हेडफोन यूज कीजिए। और हिमांशु जी आज की क्लास की रिकॉर्डिंग आपको सेव हो जाएगी, ऐसे भेज दूंगा आपको। ओके मिलते हैं कल सेम टाइम, ओके बाय। सचिन का भी फोन आया था मुझे, पहले से कॉल बैक इसलिए नहीं।